देश भर में कोरोना महामारी के बीच बंगाल में नेताओं की ताबड़तोड़ चुनावी रैलियों का दौर जारी है। बंगाल में पांचवें चरण की वोटिंग से एक दिन पहले आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी समेत कई नेताओं ने चुनावी कार्यक्रम रखे हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह के 6 चुनावी कार्यक्रम हैं। इस दौरान अमित शाह 2 रोड शो, 1 पब्लिक मीटिंग और 3 नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करेंगे, तो वहीं जेपी नड्डा भी आज पब्लिक मीटिंग और रोड शो को संबोधित करेंगे। इसके अलावा टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी भी 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगी। तो आज क्योंकि आखिरी दिन है प्रचार प्रसार का, आज शाम बाद ये प्रचार थम जाएगा और इसी को ध्यान में रखते हुए सभी स्टार प्रचारक रोड शो, नुक्कड़ नाटक को संबोधित करना, पब्लिक मीटिंग्स करना, ये सभी में एंगेज रहेंगे 17 अप्रैल को, क्योंकि 45 सीटों पर बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ये चुनावी घमासान होने वाला है। और इसके अलावा जानकारी लेंगे वहां पर क्या कुछ हो रहा है इसकी। पवन शर्मा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, एवन संवाददाता हमारे साथ। पवन, विस्तार से जानकारी दें। जी भारती, बंगाल में पांचवें चरण की वोटिंग के एक दिन पहले आज गृह मंत्री अमित शाह 6 चुनावी कार्यक्रम है। इस दौरान अमित शाह 2 रोड शो, 1 पब्लिक मीटिंग और 3 नुक्कड़ सभा को संबोधित करेंगे जी। वहीं जेपी नड्डा भी आज पब्लिक मीटिंग की ओर और रोड शो संबोधित करेंगे। इसके अलावा टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी 4 जनसभाओं को संबोधित करेगी जी। पवन, लेकिन कोरोना का काल चल रहा है, जनता पर तमाम पाबंदियां वैसे भी सरकार लगा ही चुकी है, ऐसे में ये पब्लिक गैदरिंग ये चिंता का विषय नहीं है क्या? बिल्कुल चिंता का विषय है। जनता को ये लग रहा है कि परीक्षाएं रद्द की जा रही है और इस दौरान चुनाव चल रहे हैं और हर जगह रैलियां चल रही है, भीड़ हो रही है, नेता आ रहे हैं, पब्लिक इकट्ठा हो रही है, तो बिल्कुल चिंता का विषय है ये जी। पवन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता पवन शर्मा, फोन लाइन पर जुड़े थे हमारे साथ इस खबर पर अपडेट के लिए।